ये जहाज का दोस्तों बॉयलर है, ये मेन पैनल है उसका, ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक बॉयलर है। बॉयलर इसका काम है, पानी देते हैं इसमें, स्टीम बना के अपने को देगा। ये उसका ब्लोअर है, इसमें हवा भी देना पड़ता है। ये ब्लोअर चालू होगा तो हवा जाएगा अंदर। और ये आपको रेड रेड दिख रहा है, ये सब फ्यूल जाने के लिए, इधर से फ्यूल सप्लाई होगा इसको, बॉयलर को। इसके ऊपर चला जाएगा, ऊपर से इसके बर्नल लगे हैं, बर्नल से फायर हो जाएगा अंदर और स्टीम बनाना चालू करेगा। कभी फिर कभी आपको अच्छे से दिखाएंगे इसको खुलते हुए भी। ये इसका सक्शन वाल है, इधर से पानी अंदर जाएगा, और ये एग्जॉस्ट पाइप है, धुआं निकल जाएगा इधर से, एग्जॉस्ट बाहर हो जाएगा। ये बॉयलर पंप है, ये पंपों के से पानी जाएगा, जो सक्शन वाल दिखाया उसमें पानी चला जाएगा अंदर, प्रेशराइज हो के। दो पंप लगे हुए हैं और ये इसकी गेजें लगी हुई पंप की प्रेशर दिखाने के लिए। ओके दोस्तों, और ये जो रेड कलर के लीवर दिख रहे हैं, ये जब एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम आता है उसमें, तो इधर से आप रिलीफ कर सकते हैं, रिलीफ वाल को। इधर से फ्यूल पाइप जो आपको दिखाया था नीचे से आ रही है, आ रहे हैं ये इसका, इधर से एयर आ रही है, इधर से एयर चली जाएगी, इधर से फ्यूल, अंदर बर्नल लगे हुए हैं, एक बर्नल है इसके अंदर और चार पाइप लगे हैं, चार स्टेज में चलता है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, जितना टेम्परेचर देना है वो हिसाब से टेम्परेचर देना पड़ता है इसको। फिर ये अपने को वाल के से स्टीम बन के बाहर निकलेगा। ये वाला वाल है मेन वाल स्टीम का, इधर से स्टीम फिर अपने को जहाँ भी यूज़ करना है, कोई टैंक में करना है, कहीं भी करना है, वहाँ पर स्टीम यूज़ कर सकते हैं। ये इसके दो हैं रिलीफ वाल, ये अंदर ज़्यादा स्टीम बन गया तो ऑटोमेटिक भी रिलीफ होते हैं, और ये आपको ये रिलीफ होके ऊपर चली जाएगी स्टीम पूरी। ये देखो ये रिलीफ वाल है, और ये जो रोप दिख रही है, रस्सी दिख रही है नीचे, जो आपको हैंडल दिखाए थे उधर से खींच के आप उन पर रिलीफ कर सकते हैं, ये रस्सी के साथ में, और ऑटोमेटिक भी रिलीफ होते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। ओके बाय, चैनल सब्सक्राइब करो।